राइट और याद रहे पार्टी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए. सभी 200 गेस्ट के मुंह से तारीफ के अलावा और कुछ नहीं निकलना चाहिए. यस सर. यू अंडरस्टैंड? यस सर. ए सर, तुम सोच भी नहीं सकते कि सुबह पूजा रूम में क्या हुआ. लावण्या, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. मेरे पास सिर्फ एक दिन है और मुझे दी और जीजा जी की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी प्लान करनी है. पार्टी? सो कूल. फाइनली इस घर में कुछ हो रहा है जिसका मैं वेट कर सकती हूँ. ए सर, यू नो व्हाट, तुम वो शैंपेन फाउंटेन अरेंज करवा रहे हो ना. लावण्या, इस घर में अल्कोहल अलाउड नहीं है. सुनो, शैंपेन. इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा ये बताओ, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? हमारी ब्राइडल कलेक्शन की रेड साड़ी पहनूं? अरे वही, वो चमकीली ने पहनी थी. Enough, Lavanya. मुझे आज के बाद उसका नाम नहीं सुनना है. ए सर, घी? हाँ. आटा? हाँ. चीनी? हाँ. बेसन? हाँ. खुशी, कुछ रह तो नहीं गया ना? सब ले लिया ना हमने? हाँ जी जी, एक चीज तो रह ही गई और उसके बिना हम इतना बड़ा ऑर्डर बना भी नहीं सकते. क्या? तुम्हारे चेहरे की प्यारी मुस्कुराहट. अरे वाहरे नंद किशोर, आई देखा तो कौन आया है. क्या बात है बबुआ, अब की बार बहुत दिन लगाए दिए आने में. श्याम जी, कैसे हो आप? जी बहुत बढ़िया. आप मिठाई बना रही हैं? आपको कैसे पता? अच्छा ये और वो भी. पर ये क्या, आपने तो अपनी मिठाई बनाने का धर्म ही तोड़ दिया. अब ना ही आप परेशान दिख रही हैं और ना ही गुस्से में. मिठाई बनाने में तकलीफ हो रही होगी ना? कैसी परेशानी, अब तुम जो आए गए हो. पता है श्याम जी, आज हमें मिठाई बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला. कोई बहुत बड़ी पार्टी है जिन्हें लखनऊ की मिठाई का स्वाद चाहिए. अब आप ही बताइए, इस स्वाद को हमसे अच्छा कौन जानता है. क्या हुआ श्याम जी? ये आपके लिए, आप सबके लिए. वो आपने फोन पे कहा था ना, नया काम शुरू किया, तो हम सोचे इससे बड़ी शुभकामना तो और हो ही नहीं सकती. ये तो बहुत अच्छा है श्याम जी. जी शुक्रिया. खुशी जी, हमें नहीं दिखाएंगी आप क्या बना रही हैं? आइए ना. और यहां हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे. सिर्फ आप नहीं, हम भी आपकी मदद करेंगे.
सॉरी खुशी जी, वो तेल हमें लगा कि आप क्यों माफी मांग रहे हैं श्याम जी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये दर्द तो किसी और का दिया हुआ है। और वैसे भी उस चोट का क्या जो दिखाई नहीं देती, ये सब तो सरना सिंह रायजादा की वजह से हो रहा है। क्या बड़बड़ा रही हो खुशी? कुछ नहीं जी, हम बस यही सोच रहे कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये दुकान गिरवी होना, हमारी परेशानी, ये सब उस लॉर्ड गवर्नर अर्नब सिंह रायजादा की वजह से हो रहा है। खुशी, वैसे तो वो इंसान हमें भी पसंद नहीं है, पर हमारी दुकान के गिरवी होने में उसकी क्या गलती है? वो तो हमारी शादी की वजह से बाबूजी ने दुकान गिरवी रखी थी। नहीं जी, बोल दिया तो बोल दिया, ये सब उस राक्षस की गलती है, क्यों श्याम जी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना रानी साहिबा को छोड़ सकते हैं और ना ही आपको खुशी जी। इतना कमजोर नहीं यार अर्नब सिंह रायजादा कि एक लड़की के ख्याल को अपने दिमाग से ना निकाल सके। एक साई की तरह छा गई है मेरे दिमाग पे, बार बार उसी का ख्याल, उसी का चेहरा, जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो। नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इमोशंस, एहसास, इन सब की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और ना मैं कभी पढ़ने दूंगा। तुम मेरे उस कल का हिस्सा हो जो बीत चुका है, और अब खुशी कुमारी गुप्ता एक नाम से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। खुशी जी, आपसे एक बात कहें जी। वो हमारे हिसाब से आपको लखनऊ वापस जाने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। वो क्या है कि आपके अम्मा जी बाबूजी को भी सहारा मिल जाएगा। वही सोचकर तो हम घर से निकले थे श्याम जी, लेकिन देवी मैया ने हमें इशारा दे दिया कि तुम नहीं जा सकते, तो हम रुक गए। अब हम नहीं जा सकते। अच्छा, फिर तो आपसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हमारा मतलब, हम तो लखनऊ काम से जाते रहते हैं, अब अगर आप भी वहां होती तो किसी अपने से मुलाकात होती रहती। देखें क्या बनाया है। श्याम बबुआ, तुम लखनऊ जाते रहते हो ना जी, तो इनके अम्मा बाबूजी से भी मिले आना, बात तो आगे बढ़ाए के पड़ी ना। तुम जाओगी नंद किशोर? हाँ हाँ बुआ जी बिल्कुल, पर फिलहाल हमें चलना होगा। आप जा रहे हो?
फिर से देखा कितना याद करती है तुमको है? याद तो हम भी आपको उतना ही करते हैं, पर इस वक्त हमें जाना होगा, जल्दी आ जाएंगे। आपसे मिलने का कोई बहाना तो ढूंढ ही निकालेंगे।